सबसे पहले सभी साथियों के लिए मैं यहाँ पे आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि एक तो गर्मी है और ऊपर से सब तंग हो रहे हैं, और अगर अभी तक आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को मेरी तरफ से जय भीम, जय भीम। मैं महिलाओं को, मेरी मातृशक्ति को कहना चाहूंगी कि ऐसे बहुत कम कार्यक्रम होते हैं जिनमें हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां इतनी संख्या में पंडाल के नीचे मौजूद होती हैं। तो आज तो हमारा त्योहार हम मना रहे हैं, महामना ज्योतिबा फुले जी की जयंती हम मना रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जन्म जयंती हम मना रहे हैं, तो आपका जोश ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। जय भीम, जय भीम। जितने भी साथी आसपास खड़े प्लीज बैठ जाइए, प्लीज कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करना, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि बहुत मुश्किल से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है, बहुत मेहनत होती है इनके पीछे, दिन रात का खून पसीना होता है हमारे बड़े बुजुर्गों का, हमारे साथियों का। सबसे पहले बदलाव सोशल सोसाइटी हरियाणा की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने एक जो मुहिम चलाई है कि पुस्तकालय में बदल दे जी अपनी इन चौपालन है कि अपनी जो चौपाल होते हैं जिनको मिठाई बोलते हैं, चौपाल कुछ भी बोल लीजिए, वहां पे बैठते हैं हमारे बड़े बुड्ढे ताश खेलते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन कितनी अच्छी मुहिम है कि हमारे मास्टर मनोज पवार जी ने, पूरे बदलाव सोसाइटी ने एक मुहिम चलाई है कि उन्हीं चौपालों को उन्होंने लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया कि जहां बैठ के हमारे बच्चे पढ़ेंगे। कितनी बड़ी मुहिम है ये, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है बी एजुकेट बी एजुकेट और बी ऑर्गेनाइज, कि शिक्षित करो, आंदोलित करो, संगठित करो, कि जो हमारा पहला मूल मंत्र है, हमारा जो प्राइमरी गोल है वो क्या है, शिक्षित होना भी और शिक्षित करना भी, कि जो शिक्षित करने की जो मुहिम बदलाव सोसाइटी ने यहाँ छेड़ी है उसके लिए मैं पूरी बदलाव सोसाइटी का धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ मेरे पापा जी आए हैं मास्टर कृष्ण चौहान, मेरे दो बड़े भाई आए हैं और मेरी दो बहनें आई हैं, मैं उनका भी यहाँ पे स्वागत करती हूँ। जितने भी सम्मानित व्यक्तिगण यहाँ पे बैठे हैं, सर पानी मिलेगा, ये माइक है ना, आवाज खींच रहा है, चलो ठीक है। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय फुलिया जी यहाँ पे आए, उनका स्पीच भी मैंने सुना, और जितने भी अतिथिगण यहाँ पे आए उनको भी मैंने सुना, मतलब कितनी खुशी होती है कि हमारे समाज के लोग इतनी मेहनत करके सुविधाओं के अभाव में भी पढ़ लिख गए और इतना कुछ करके और आज इस काबिल बना दिया बाबा साहब ने उनको, क्या जो यहाँ आके बोल रहे हैं, तो मैं बाबा साहब को नमन करती हूँ और उनसे पहले भी उनके गुरु को महामना ज्योतिबा फुले जी को मैं नमन करती हूँ, जिन्होंने 1848 में ज्योतिबा फुले जी ने और माँ सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए स्कूल खोले। यहाँ पे सब आए और सबने बाबा साहब के बारे में बताया, बाबा साहब का बच्चा बच्चा जानता है। मैं यहाँ पे माँ सावित्रीबाई फुले और महामना ज्योतिबा फुले जी के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी कि जिस समय में महिलाओं को घर की चार दीवारी के अंदर बंद रखा जाता था, उस समय में माँ सावित्रीबाई फुले घर से बाहर निकलती है और लड़कियों के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 18 स्कूल उन्होंने लड़कियों के लिए खोले। कितनी बड़ी बात है ये, क्योंकि आज शायद मेरे अंदर भी इतना पोटेंशियल नहीं है कि मैं दिन रात इतना काम करके कुछ इतना बड़ा कर जाऊं समाज के लिए। उस समय में हमारे पुरखों ने हमारे लिए इतना कुछ किया। महिलाओं को ऋणी होना चाहिए माँ सावित्रीबाई फुले का, क्योंकि हमारे लिए अगर कोई शिक्षा की देवी है तो वो माँ सावित्रीबाई फुले है। यहाँ पे बच्चों ने परफॉर्मेंस दी, वहाँ पे फातिमा शेख का भी कैरेक्टर उन्होंने दिखाया कि जब भी हम माँ सावित्रीबाई फुले का नाम लेते हैं तो फातिमा शेख के बलिदान को भुला दिया जाता है। जब माँ सावित्रीबाई फुले को और ज्योतिबा फुले को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है कि वो लड़कियों को पढ़ा रही है, तब उस मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख दो ऐसे इंसान थे जिन्होंने उनको अपने घर में जगह दी। तो ऐसे इंसानों के बलिदान को भी हम कभी नहीं भूल सकते। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि माँ सावित्रीबाई फुले के साथ साथ फातिमा शेख की भी व्यक्तित्व को यहाँ पे दर्शाया गया।
दूसरी बात संविधान की यहाँ पे बात की गई, एक पूरी परफॉर्मेंस के थ्रू संविधान कैसे बना, बाबा साहब ने कितनी मेहनत की, ये बातें यहाँ पे बताई गई। तो बाबा साहब का सपना क्या था? हम जोर जोर से नारा लगाते हैं कि बाबा साहब आपकी सोच पर पहरा देंगे ठोक कर, बाबा तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोक कर। बाबा साहब की सोच क्या है? बाबा साहब की सोच क्या है? बाबा साहब की सोच है सब, बाबा साहब चाहते क्या थे, उनकी सोच क्या है? वो है सामाजिक न्याय का विचार, सामाजिक समानता का विचार। सामाजिक समानता माने तो समता मूलक समाज, और समता मूलक समाज की क्या जड़े है, उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है? समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। संविधान से पहले प्रस्तावना आती है, हम प्रस्तावना पढ़ते हैं। प्रस्तावना में बाबा साहब क्या लिखते हैं, जिसको हम प्रीएम्बल बोलते हैं। बाबा साहब प्रीएम्बल में क्या लिखते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, कोई और नहीं कि वी, हम भारत के लोग। कि संविधान किसके लिए है? हम लोगों के लिए, वो किसी और के लिए नहीं है। हम लोगों ने लिखा, हमारे पुरखों ने लिखा, हमारे लिए लिखा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस। कैसा जस्टिस होना चाहिए, कैसा न्याय? जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। व्हाट टाइप ऑफ लिबर्टी? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, स्पीच एंड वर्शिप। कैसी स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म उपासना की स्वतंत्रता। कैसी समता? कैसी समता? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। और कैसा भाईचारा? कैसी बंधुता? फ्रेटरनिटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और फिर क्या कहते हैं बाबा साहब, इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 वी डू हेयरबाय अडॉप्ट एंड गिव टू अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान हम हमारे लोगों को ही आत्मार्पित करते हैं, अंगीकृत और आत्मार्पित। ये संविधान हमारे पुरखों ने लिखा, हमारे लिए लिखा कि हम भारत के लोग। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि जो विरासत हमें हमारे पुरखे देके गए, हम उनको संभाल के रखें।